ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं अमेठी से आ रही खास खबर पर। श्वेत बराज क्षेत्र के पावन रस एवं मां गोमती के पवित्र जल से अभिषिंचित होगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव। आपको बताते चलें कि श्वेत बराज क्षेत्र की पावन भूमि को पृथ्वी लोक का प्रथम तीर्थ माना गया है। यहाँ पर कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने भगवान की स्थापना कर पूजन किया था तथा इस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों की पावन रस लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। कलश यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख उमाशंकर शुक्ला, संरक्षक अवधेश सिंह, संगठन मंत्री केशव जी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह यात्रा नारद धाम गुन्नौर से शुरू होकर दंडेश्वर धाम कोचित माँ हिंगलाज दात्रा नंदमहल दुर्गन देवी सहित जिले के सभी विकास खंडों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पावन रस लेकर प्रयागराज संगम तट पहुँचेगी। इससे पूजनोपरांत श्री राम जन्मभूमि निर्माण हेतु अयोध्या धाम भेजा जाएगा। अनिल दुबे के साथ राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नौरगतिरंतर क्षमदतिर माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवः यदति पञ्चजनाय दतिरजात मदतिरजने त्वम् मा ओम जोह शांतरांतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संगना करो प्रजाभ्यो अभयम् नः पशुभ्यासु शान्तिरभवतु ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम बाणी हिरणगर